एक दिन एक देश का राजा ने वहां पर एक प्रश्न का सुझाव रखा, कहा कि मैं तीन प्रश्न करूंगा और जिसने मेरे इन तीन प्रश्नों का उत्तर दे दिया उसकी मैं जिंदगी भर सेवा करूंगा और अपना राज्य पाठ सब उसे सौंप दूंगा। परंतु जिस भी राज्य के राजा ने उत्तर नहीं दे पाया, जिस राज्य के व्यक्ति ने उत्तर नहीं दे पाया उसके मैं मंदिर बंद करा दूंगा और उसे मैं जेल में डाल दूंगा। बहुत सारे लोग आए परंतु कोई भी उत्तर नहीं दे पाया, सभी जेल में गए। राजा ने प्रश्न किया कि भगवान करते क्या है, दूसरा प्रश्न किया भगवान खाते क्या है, तीसरा प्रश्न किया कि भगवान रहते कहाँ हैं। तभी वहां से अष्टावक्र जी महाराज जा रहे थे। अष्टावक्र जी महाराज ने जैसे ही सुना, अष्टावक्र जी महल में गए और सैनिकों से कहा कि जाकर के बोल दो राजा से कि तुम्हारा उत्तर देने वाला आ चुका है, अब जल्दी से नौकर बनने की तैयारी कर लो। सैनिकों ने जब ये बात राजा को बताई, राजा को हंसी आने लगी। राजा ने कहा इसका इतना साहस जो मुझे धमकी देगा, अगर उत्तर नहीं दे पाया तो इसको तो मैं जेल में इतना मारूंगा कि अपने जीवन में हमेशा याद रखेगा। अष्टावक्र जी महाराज को बुलाया गया और राजा ने प्रश्न किया, अच्छा पहला प्रश्न भगवान करते क्या है। तभी अष्टावक्र जी महाराज ने कहा कि वो तो प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा, परंतु तुम्हें प्रश्न करना ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न पूछता है वह नीचे बैठता है और जो उत्तर देता है वह ऊपर बैठता है। तुरंत राजा आकर के नीचे बैठ गया और अष्टावक्र जी महाराज जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। अब राजा ने पूछा, अब बताओ भगवान करते क्या है। तुरंत कहा, अरे मूर्ख, अभी तक तुझे पता नहीं चला भगवान हम जैसे गरीब को राजा की पदवी पर बिठा देते हैं और तुझ जैसे अभिमान राजा को भगवान धरती पर बिठा देते हैं। बोले कोई बात नहीं, दूसरे प्रश्न का उत्तर बताओ कि भगवान खाते क्या है। बोले कि तुझ जैसे राजा का अभिमान खाते हैं। अब कहने लगे सबसे मुश्किल प्रश्न कि भगवान रहते कहाँ है। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा कि एक बाल्टी पानी लाओ, उसके अंदर एक मुट्ठी नमक डालो और उस नमक को घोल दो। नमक को पूरा घोल दिया। अब अष्टावक्र जी महाराज ने राजा से कहा कि अब इसमें नमक देख के बताओ कि नमक कहाँ पे है। राजा ने कहा कि पूरी बाल्टी में नमक ही नमक है। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा कि मुझे तो नहीं दिख रहा, एक काम करो इसको मुझे छान के अलग करके दिखाओ। जैसे राजा ने देखा, राजा ने कहा ये तो संभव ही नहीं है। तो अष्टावक्र जी महाराज ने कहा फिर तुमने क्यों कहा कि तुम्हें नमक दिख रहा है। उसी प्रकार से समझाया कि भगवान मौजूद तो हर जगह पे है, संसार में कण-कण में प्रभु है परंतु दिखाई नहीं पड़ते। हर जगह भगवान बैठे हैं पर किसी को दिखाई नहीं पड़ते। अब अष्टावक्र जी महाराज ने तीन प्रश्न का उत्तर दे दिया। राजा ने कहा कि बताओ स्वामी क्या कार्य है। तुरंत कहा कि जाओ पहले तो सबको आजाद करो और जाकर के भगवान का भजन करने बैठ जाओ। जाओ जाकर के भगवान का भजन करने बैठ जाओ। जाकर के वो राजा भजन करने लगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।